नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली कुछ वीडियो से मैं आपको डिफरेंट ग्रहों के बारे में बता रहा हूं, सूर्य चंद्रमा और मंगल के बारे में मैंने आपको बताया कि सूर्य चंद्रमा मंगल ग्रह क्या है, क्या उनकी क्वालिटीज हैं, क्या उनके कारक तत्व हैं, क्या उनसे प्रोफेशन देखते हैं, क्या उनके थ्रू हम बीमारियां देखते हैं, वो सारी चीज जो भी थी मैंने इसके अंदर आपको बताई। आपने देखा होगा, पसंद भी आया होगा। जिसने नहीं देखा हो तो वो पुराने लेक्चर देख ले, वो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे कि बुध ग्रह के क्या कारक तत्व हैं, क्या क्वालिटीज हैं उनकी, क्या उनके शांति मंत्र हैं, क्या उनके लिए दान करना चाहिए। इस तरह की जितनी भी बातें बुध ग्रह से रिलेटेड हैं वो सारी बातों को आज हम जिक्र करेंगे इसके अंदर। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए प्रेजेंटेशन पे आते हैं। जैसे तो आप जानते हैं कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे समीप है, ये ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से केवल 27 अंश से अधिक दूर कभी नहीं जाता, केवल 27 डिग्री के आसपास ही सूर्य से रहता है। कुंडली के अंदर भी इसकी पोजीशन अगर आप देखेंगे तो या तो सूर्य के साथ होता है या सूर्य से एक घर आगे एक घर पीछे ही बुध ग्रह रहता है, क्योंकि ये सूर्य के बहुत नजदीक ग्रह है, इंटरनल प्लैनेट है। चंद्र की तरह जैसे चंद्र की कलाएं होती हैं, इस तरह से बुध की कलाएं भी होती हैं। ये एक वर्ष में लगभग 6 बार उदित होता है और अस्त होता है, 6 बार उदित होता है, अस्त भी होता है। उदित होने पर 21 से लेकर 43 डेज तक ये दिखाई देता है। अथर्ववेद के एक मंत्र में बुध का उल्लेख बहुत अच्छा मिलता है। अथर्ववेद में एक मंत्र कहा गया है जो बुध के बारे में कहा गया है, उसमें कहा गया है, सोम श्यांसो युधाम पते अनु नाम वासी अनून दर्शमा कृधि प्रज्ञा च धनेन च। यानी अर्थात हे सोम के अंश, सोम के अंश बोलते हैं बुध को, चंद्रमा का पुत्र माना जाता है बुध, इसलिए हे सोम के अंश बुध, तुम वीरों के पालन करता हो, तुम दर्शन योग्य हो, हव्यादि देकर, मतलब हव्यादि देकर मीन्स के सामग्रियों का, जैसे हवन करते हैं हम लोग सामग्री के आहुति देते हैं, तो हव्यादि देकर तुम्हें प्रसन्न करता हुआ मैं पुत्रादि धन से युक्त हो जाऊं। यानी इससे ये मालूम चलता है कि अथर्ववेद के इस मंत्र से के बुध का प्रयोग संतान प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है, और उसके लिए हवन करके और ये वाले मंत्र का उच्चारण किया जाए तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। ये एक बिल्कुल नई चीज मालूम चलती है इस अथर्ववेद के मंत्र से। इसके बाद क्वालिटी क्या है, आप जानते ही हैं कि इसको राजकुमार बोलते हैं, जो ग्रहों की जो सेना है उसमें इसको राजकुमार के नाम से बोला जाता है। इसका वैदिक शांति मंत्र है जो कि यजुर्वेद में दिया हुआ है, और यजुर्वेद का मंत्र है, बहुत ऑथेंटिक मंत्र है। युद्ध अगर किसी कुंडली में खराब हो, बुध किसी कुंडली में बहुत पीड़ित हो, या बुध की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो और उसकी दशा भी चल रही हो, तो उस केस में ये मंत्र का उच्चारण करना 108 बार और लगातार 45 डेज तक करना बहुत यूजफुल रहता है। ये मंत्र है यजुर्वेद का, ओम उद बुद्धे स्वागने प्रति जाग्रही स्वमिष्ठा पूर्ते से सृजे था मयम च अस्मिन् त्यसे संदधसे अध्युत्तर अस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदते। तो आप ये मंत्र आप देख लीजिएगा, थोड़ा उच्चारण करने में हल्का कठिन है परंतु बहुत अच्छा मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। इसके लिए बुध के लिए जो आर्टिकल ऑफ डोनेशन है वो हाथी दांत माना जाता है, ग्रीन क्लोथ्स माने जाते हैं या ग्रीन फ्लावर माने जाते हैं, मूंग की दाल मानी जाती है, कपूर या तारपीन का तेल वगैरह भी बुध के लिए हम आर्टिकल ऑफ डोनेशन है। अगर बुध की शांति हो तो इन चीजों का दान भी हम लोग कर सकते हैं। बुध से जो प्रोफेशन देखते हैं वो देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जितने भी अकाउंटेंसी वाले प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का हो, बीकॉम का हो, अकाउंटेंट का हो, वो सारे प्रोफेशन हम बुध से देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी का देखते हैं बुध से, क्योंकि बुध तीसरे भाव का स्वामी भी होता है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, तीसरे और छठे भाव का स्वामी कालपुरुषी कुंडली में बुध होता है। तो बुध से हम कम्युनिकेशन टाइप की चीजें या पब्लिक रिलेशंस टाइप की चीजें भी बुध से हम देखते हैं। ये राइटर के बारे में भी बुध से देखा जाता है, लॉ लीगल केसेस लड़ना, ये बुध जो है लीगल केसेस का कारक भी है, बुध दर्शनी ये दोनों लीगल केसेस के कारक हैं। तो कभी लीगल केसेस की बात हो कुंडली के अंदर कि लीगल केस चल रहे हैं, हारेंगे या जीतेंगे, तो बुध और शनि की स्थिति गोचर में जरूर देख लेनी चाहिए कि कैसी स्थिति है, क्योंकि ये भी लीगल केस के कारक होते हैं। तो लॉ, ड्राइवर, पब्लिशर, टीचर, जेमोलॉजिस्ट, कोरियर, मीडिया, स्टेशनरी एजेंट, सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, बुक सेलर्स या बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग यूनिट होती है उनके अंदर काम करने वाले बुध के
की तरह ही देखे जाते हैं। पीएनटी डिपार्टमेंट में जो भी जॉब है या पीएनटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, जैसे मैंने बताया कि आपको थर्ड भाव कम्युनिकेशन का होता है, उससे रिलेटेड जॉब, ऑथर, पोस्टमैन, ऑडिटर्स, काउंसलर्स, आर्बिट्रेटर्स, जर्नलिज्म के लिए भी बहुत अच्छा ये देखते हैं, जर्नलिज्म का भी इनका बहुत अच्छा हो रहता है, चूंकि पब्लिक रिलेशन जिनका पार्ट है तो वो लोग जर्नलिज्म के अंदर भी बहुत अच्छे रहते हैं। तांत्रिक और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग अंदर के अंदर भी इनका काफी रोल रहता है। तो ये कुछ जॉब्स हैं जो इनके द्वारा देखे जाते हैं बुध के द्वारा। इसके साथ साथ बुध के द्वारा कुछ डिसीज भी हैं जो देखी जाती हैं। अगर बुध कुंडली में बहुत पीड़ित है, बुध खराब है, तो बुध के द्वारा जो होने वाली समस्याएं हैं वो गले की समस्या होती है, नोज की समस्या होती है, नाक की समस्या होती है, आर्म्स की समस्या होती है, कान की समस्या होती है, स्किन की समस्या होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुध जो है वो त्वचा कारक है, ओवरऑल कारक बुध त्वचा का कारक है, तो त्वचा की समस्या होती है। नर्वस सिस्टम की समस्या भी हो जाती है, मानदो शनि नर्वस सिस्टम का कारक है, लेकिन बुध से भी सब नर्वस सिस्टम की समस्या होती है। गिडीनेस आदमी को रहता है, शरीर गिरा गिरा रहता है, स्किन प्रॉब्लम आदमी को हो जाती है, वोकल प्रॉब्लम, बोलने में समस्या हो जाती है इंसान को, ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है, इम्पोटेंसी तक हो जाती है, क्योंकि बुध को नपुंसक ग्रह माना जाता है, तो इम्पोटेंसी तक भी इससे हो जाती है, स्टैमरिंग यानी कि हकलाना, तो इस तरह की चीजें भी जो होती हैं वो बुध की वजह से होती हैं, बीमारियां होती हैं, इंडाइजेशन जो होता है या लीवर का, स्टोमक का, ये भी सब बुध की वजह से ही होता है। बुध बहुत सी वस्तुओं का कारक है, अगर कुंडली के अंदर इन चीजों के बारे में बात करनी हो, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अगर हम कोई हमसे पूछे, कोई शिक्षा के बारे में हमसे पूछता है तो हम किसको देखें, तो हम बुध को जरूर देखें, क्योंकि बुध शिक्षा का कारक है। कोई विद्या के बारे में पूछता है तो हम बुध को जरूर देखें। कोई लिखित कार्य के बारे में हमसे पूछता है कि मैं लिखित कार्य करूं ना करूं, मैं राइटर बनूं या ना बनूं, तो हम बुध को जरूर देखें उसी कुंडली के अंदर, क्योंकि बुध लिखित कार्य का भी कारक है। किसी प्रकार की कला के बारे में कोई भी पूछता है, खेलकूद के बारे में या किसी प्रकार की कला के बारे में कोई पूछता है, तो आप बुध को जरूर देखिए कुंडली में उसकी, कि बुध कुंडली में कैसा है, क्योंकि तीसरा भाव और छठे भाव का कालकुशी कुंडली में स्वामी है, और तीसरा भाव और कला का भाव भी है, तो वो भी बताता है। त्वचा के बारे में जो भी चीजें हों वो बुध ही बताता है। वाणिज्य कॉमर्स के बारे में बुध बताता है, कॉमर्स की बात हो, वाणिज्य की बात हो, तो बुध को ही देखना चाहिए। रत्नों की जाँच करने वाला, अगर आप कोई जेमोलॉजिस्ट का कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं या जेमोलॉजी कंपनी में स्टार्ट जाना चाहते हैं, तो आपको बुध ही देखना पड़ेगा, क्योंकि बुध जो है रत्नों की जांच करने वाला माना गया है, और कहते हैं जिनका बुध स्ट्रांग होता है वो इस चीज काम के अंदर बहुत माहिर होते हैं। हास्य व्यंग कारक बुध है, राजकुमार का कारक बुध है, वाक शक्ति का कारक बुध है। बुध अगर स्ट्रांग हो तो अपनी वाणी से ही वो धन अर्जित कर लेता है, इतनी अच्छी वाणी उसकी होती है, इतना अच्छा कम्युनिकेशन उसका होता है, या इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल उसकी होती है कि कहीं भी खड़ा कर दीजिए इसको स्टेज पे, वो आदमी लगातार फ्रीक्वेंटली बोलेगा और एक्सटेम्पोर बोलेगा, और इस तरीके के लोग जो होते हैं उनको वो अपनी वाणी के थ्रू भी धन अर्जन कर सकते हैं। विष्णु के उपासक हैं बुध, तो जितने भी विष्णु के उपासक लोग होते हैं वो सारे बुध से देखे जाते हैं, विष्णु का उपासक का कारक बुध ही है। बहन का कारक भी बुध है, अगर बहन के बारे में बात चले तो कुंडली में बुध को देखना चाहिए। मंत्र तंत्र कारक भी बुध है। घोड़ा, आप तो खैर घोड़े की बातें ही चलती हैं, पहले जमाने में चला करती थी, तो घोड़े के कारक भी बुध ही होते थे। कोष खजाना वगैरह का कारक भी बुध होता था। वाणी का कारक बुध होता है, ये दिखाई बताया मैंने। शिल्प करा, शिल्प का जितनी भी शिल्प चीजें होती हैं उनका कारक भी बुध ही होता है। ज्योतिष का कारक बुध होता है, यानी ज्योतिष की बात चले तो भी आपको बुध ही देखना है। मृदुभाषी, कोई आदमी बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत अच्छा बोलने वाला है, तो उसका कारक भी बुध ही होता है, उसके बारे में बात देखनी हो तो उसका बुध देखिए। वेदांत, वेदों में माहिर कोई हो तो उसके लिए भी आपको बुध को देखना चाहिए। बुध गले का कारक भी है, तो बुध इन सब वस्तुओं का कारक है। जब भी कुंडली में ये चीज देखनी होती है तो आप हमेशा बुध पे ध्यान दीजिए, कुंडली में बुध की स्थिति कैसी है। अगर बुध बली है तो अच्छी बुद्धि होगी, अच्छी याददाश्त होगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, वाक शक्ति बहुत अच्छी होगी, लेखन बहुत अच्छा होगा, अध्यापन अच्छा होगा, चित्रकारी, शिल्पकार, कई चीजों में आप दक्ष होंगे, दार्शनिक होंगे, गणित के अंदर आप तेज होंगे, सीखने की कला होगी आपके अंदर हर चीज की। लेकिन इसके विपरीत यदि बुध आपकी कुंडली के अंदर बहुत पीड़ित है या बुध बहुत निर्बल है, तो हकलाना, खराब याददाश्त, अनेक कार्य लेकिन लाभदायक नहीं होते, झूठ बोलने की आदत हो जाती है, किसी के खिलाफ योजना बनाने की आदत हो जाती है, जालसाजी की आदत हो जाती है, तो इस तरह की आदतें
हो जाती हैं अगर बुध आपकी कुंडली में ठीक ना हो, तो बुध का कुंडली में ठीक होना बहुत जरूरी है। तो उसके जो मैंने आपको मंत्र बताए हैं, एक तो उसका यजुर्वेद का मंत्र बताया है, दूसरा अथर्ववेद का मंत्र भी मैंने आपको बताया है कि जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा सकता है, अगर किसी के संतान ना होती हो तो उसके लिए भी वो मंत्र किया जा सकता है। तो ये था बुध के बारे में, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लोग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।